नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। 17 महानगरों को सोलर सिटी बनाएगी योगी सरकार। अयोध्या वाराणसी को भी सोलर सिटी बनाने की योजना बनाई गई है। महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों को भी सोलर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है अयोध्या। 40 मेगावाट में अब तक 14 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया है। तो प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या विकसित हो रही है, क्योंकि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई यानी कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई उस दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका बड़ा ऐलान किया गया था कि किस प्रकार से सोलर सिटी पर एक बड़ा फोकस किया जा रहा है। और अब इसी प्रकार से 17 महानगरों को चिन्हित किया गया है और 17 महानगरों में इसका विकास किया जाएगा। और बात अगर अयोध्या की कर ले तो 14 मेगावाट में से अब तक 40 मेगावाट में से अब तक 14 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया है। प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या विकसित हो रही है और इसी के तर्ज पर अन्य महानगरों में भी इस योजना को शुरू किया जाएगा, उन्हें भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। महानगरों को सोलर सिटी बनाएगी योगी की सरकार। 17 महानगरों को चिन्हित किया गया है और इन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा क्योंकि लगातार सोलर को लेकर बड़ा फोकस सरकार की ओर से किया जा रहा है। और उसी दिन यानी कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ी योजना का ऐलान भी किया गया था कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, उसके लिए किस प्रकार से जो सोलर पैनल होते हैं वो लगाए जाएंगे जिससे कि ऊर्जा की बचत जो बचत है वो की जा सकेगी और सोलर सिटी के रूप में इन महानगरों को विकसित किया जाएगा। तो योगी सरकार की ओर से ये बड़ा कदम, महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके लिए एक पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। ग्रामीण इलाकों को भी सोलर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। खास तौर से देखिए, लगातार योगी सरकार का ये भी फोकस रहता है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जाए, वहां पर किस प्रकार से सोलर को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके जी, 17 महानगरों को चिन्हित किया गया है, कौन कौन से महानगर है और इसके लिए किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो भी महानगर है उनको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया जाए। हालांकि अगर हम इस पूरे अभियान की बात करें तो जो प्राथमिक चरण है उसमें अयोध्या से इसकी स्टार्टिंग हुई है, जिसमें अयोध्या को पूरी तरीके से सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या के विकास के बाद में दूसरे जो शहर हैं उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार विकसित कर रही है जी। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये अभियान जारी है। इसके बाद दूसरा शहर है जो की काशी है, काशी में भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि वहां पर रूफटॉप जो सोलर सिस्टम है उसके जरिए से उनको आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जो दूसरे महानगर है, हम दूसरे महानगरों की बात करें तो उसमें लखनऊ है, आगरा है, इसके अलावा प्रयागराज है, साथ ही साथ में जितने भी उत्तर प्रदेश के नगर निगम है जिसमें झांसी भी है और बरेली भी है, ये वो शहर है जो कि नगर निगम है। इन सभी शहरों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सोलर सिटी के रूप में विकसित कर जो कहीं कहीं पूरी करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है जी। बिल्कुल, और एसके वाजपेयी जी, ग्रामीण इलाकों पर भी विशेष फोकस रखा गया है कि ग्रामीण इलाकों को किस प्रकार से सोलर ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, इसके लिए किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की सोलर को लेकर जो वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की योजना है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि जो बिजली आपूर्ति को लेकर समस्याएं होती थी वो समस्याएं पूरी तरीके से खत्म की जा सके, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। बहुत सारे योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। सब्सिडी के जरिए एक कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बिल्कुल, और सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और उन्हें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, क्योंकि देखिए ऊर्जा पर भी एक विशेष फोकस रहता है सरकार का। ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक ऊर्जा के बहुत सारे माध्यम हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उनके ज़रिए से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाई जाएं, ताकि जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश के सभी गाँव और शहरों को बिजली मिल सके, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में एक बड़ा कदम ज़रूर होगा, क्योंकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऊर्जा के क्षेत्र में जो सोलर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर। ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्युत की ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर जिसमें बुंदेलखंड भी शामिल है, वहां पर जो वो ऊर्जा को लेकर जो सोलर सिस्टम है वो लगातार लगाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उसके प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को उनकी छत पर सोलर सिस्टम के जरिए विद्युत उत्पादन करने और अपनी जरूरत से जो ज्यादा विद्युत उत्पादित होगी उसको उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग खरीद भी लेगा, उसके पैसे भी भुगतान करेगा, उसके लिए लगातार प्रोत्साहन भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसके वाजपेयी जी, महानगरों की बात अलग होती है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात अलग होती है। महानगरों की तर्ज पर ही क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाएगा या फिर इसके लिए कुछ अलग रणनीति है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लगातार सोलर सिस्टम के जरिए विद्युत उत्पादन कर अपनी जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनको पूरा करने की बात की जा रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो सोलर सिस्टम है वो लोगों की छतों पर लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, ताकि जो उनकी खुद की विद्युत जरूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। हालांकि जो पहला चरण है उसमें भगवान राम की नगरी अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई है, जहां ज्यादातर चाहे वो रोड लाइट्स हों या जो सार्वजनिक क्षेत्रों स्थानों पर जो लाइटें लगी हुई हैं वो सौर ऊर्जा के जरिए जगमग हो रही हैं। और उसके बाद दूसरा शहर है काशी, जहां ज्यादातर लोगों की घरों की छतों पर जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम है वो लगाए जा रहे हैं, उनके जरिए से कहीं ना कहीं जो विद्युत जरूरतें हैं उनकी वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद जो बाकी के 16 शहर हैं जिसमें सभी नगर निगम हैं, चाहे वो फिरोजाबाद हो, आगरा हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, बरेली हो, झांसी हो, इन सभी जिलों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां पर भी सोलर सिस्टम के जरिए जो बिजली व्यवस्था है वो लोगों को दी जाए, ताकि जितनी उनको जरूरत है उतनी बिजली वो यूज कर सकें और जो बिजली उनके यूज से ज्यादा होगी वो बिजली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ले लेगा और उसका भुगतान भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन उपभोक्ताओं को किया जाएगा जो ये बिजली उपलब्ध कराएंगे। जी, और जरा इसके साथ ही एसके वाजपेयी जी भी जानकारी साझा करिए कि लगभग कितने चरणों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पहले चरण में जहां सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भगवान राम की नगरी अयोध्या में इसकी शुरुआत की गई है और दूसरे चरण में इसको वाराणसी ले जा रहे हैं और इसके बाद अब जो चरण होंगे उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश के नगर निगम हैं उन सभी नगर निगमों में कहीं ना कहीं इसको व्यवस्था की जाए। तो निश्चित तौर पर लगातार जो वैकल्पिक ऊर्जा विभाग है वो इस पर काम कर रहा है कि जो सोलर सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच में हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की तरफ से इसको लेकर सब्सिडी भी दी जा रही है उस सब्सिडी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो इस सिस्टम के जरिए अपने जो घर का कहीं ना कहीं बिजली की ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।